हेलो, कैसे हो लोग? आ चुके प्रोसेस का और एक मजेदार अमेजिंग वीडियो के साथ। एंड गाइस, अपडेट का मौसम है, ठीक है? अपडेट का मौसम, ये अपडेट ना सुनते ही ना भाई, जिंदगी मजा आता है, ठीक है? एंड ऊपर से गाइस, हैलोवीन का यहाँ पर पूरा मौसम, हैलोवीन सीजन है। एंड यहाँ पर सुपरसेल का ऑफिशियल स्नीक पीक हम लोग यहाँ पर आज के वाले वीडियो में देखने वाले हैं। एंड आज के वाले वीडियो का जो टॉपिक है ना गाइस, आप में से अगर कोई नया स्किन लेना चाहते हो, जो यहाँ पर हैलोवीन का जो स्किन यहाँ पर जो रिलीज होगा, बाय द वाई बहुत ही अमेजिंग वाइज स्किन से यहाँ पर इस बार रिलीज होने जा रहे हैं। एंड अगर कोई पजल्ड हो कि आपको कौन सा स्किन लेना चाहिए, ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए ही है, ठीक है? मस्ट वॉच है, पूरा वीडियो देखो, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल बनाऊंगा आज का वीडियो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। एंड यहाँ पर देखो बाय द वे गाइस, अगर कोई ये सोच रहे हो कि भाई ब्रॉल पास लू या फिर स्किन लू, ठीक है, आपके पास कोई लिमिटेड जेम्स है, फॉर एग्जाम्पल 170-180 जेम्स है, तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं कौन सा चीज लू, ब्रॉल पास या फिर स्किन, कोई एक स्किन, ठीक है, तो मैं बोलूंगा जरूर ब्रॉल पास ही लेना, ठीक है? वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है भाई, दो स्किन के साथ न्यू ब्रॉलर्स वगैरह भाई सब कुछ मिल जाता है। बट यहाँ पर अगर कोई सोच रहे हो कि उसके साथ स्किन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर भाई मैं बता दूं, आज के वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर इसी को लेकर बात करने वाला है। फटाफट से लाइक भाई कर देना, सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़े से भाई मोटिवेशन दिखाओ अपने भाई को, एंड शेयर वगैरह कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्किन है, बाय द वे मैं उसी स्किन को लेकर यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो स्किन जेम्स में आ रहा है, ठीक है? जेम्स, आपका जो जेम्स जा रहा है उसी के स्किन का हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो स्किन को लेकर बात करने वाले हैं वो है हेटलेस राइडर्स 2। ओके, तो बस 2 के फैन बॉयज, भाई ये स्किन जो है 149 जेम्स में आपको मिलने वाला है। यस, 149 जेम्स, ठीक है, 149 जेम्स में पर दो स्किन मिलने वाला है, ये है 2 के और एक गेल के। तो यहाँ पर 2 का आप लोग सबसे पहले देख लो, ये एक्चुअली सही स्किन है, ठीक है, बुरा नहीं है यहाँ पर भाई, वर्थ इट है कि नहीं वो हम लोग बाद में जानेंगे, बट अभी के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो अटैकिंग एनिमेशन ने पर चलने का भाई गेम के अंदर अच्छे से दिख रहा है, ठीक है स्किन। बट ये पर देखो अटैक एनिमेशन भाई सही है, सुपर भी यहाँ पर ठीक ठाक है भाई, सब कुछ सही है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा और भी बेटर हो सकता था, थोड़ा और भी ज्यादा उभर के आना चाहिए था। हालांकि सही है, यहाँ पर जो अटैक एनिमेशन, जो सुपर एनिमेशन है, ऊपर से पर विनिंग एंड लूजिंग भी आप लोग को यहाँ पर दिखा दूंगा इसके साथ ही साथ, ये सही तो है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग जरूर लगा। बट ये देखो, ये एक्चुअली सही है, देखो ये जो जो ढूंढ रहा है अपने मुंडी को, तो ये पर विनिंग लूजिंग एनिमेशन भी सही है। 2 का एक्चुअली बेस्ट स्किन है, बट थोड़ा और भी ज्यादा बेटर हो सकता था जितना जेम्स पे कर रहे हैं, ठीक है? तो पर नेक्स्ट अगर स्किन के बात करें वो है यहां पर स्क्विक बस्टर गेल, ये जो बुड्ढे जो पकड़ रहा है जिसको, ये स्क्विक है यहां पर जो न्यू स्किन है स्क्विक के, ये स्क्विक को जो भूत है उसको पकड़ रहा है। सो ये स्किन एक्चुअली फनी है थोड़े से, पर विनिंग एंड लूजिंग एनिमेशन भी बहुत ही फनी है। तो यहां पर आप लोग यहां पर देख सकते हो जो अटैकिंग एनिमेशन जो यहां पर सब कुछ दिया हुआ है, इसका जो यहां पर जो स्किन का जो प्राइस है वो 149 का है, ठीक है? 2 एंड गेल का दोनों का यहां पर प्राइस है 149 जेम्स। तो आप लोग यहां पर अंदाजा लगा लो यहां पर कौन सा आपके लिए ज्यादा वर्थ इट होगा अगर आप लोग लेने का सोच ही रहे हो। तो यहां पर मेरे हिसाब से इसका जो सुपर है गेल का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मुझे लगा। एंड यहां पर ये बहुत ही ज्यादा फनी मुझे लगा। एंड ऊपर से यहां पर जो विनिंग एनिमेशन ये भी काफी ज्यादा सही है। ये था गाइस दो यहां पर 149 जेम्स का स्किन, बट जो एकदम से बोलते हैं ना 149 में पूरा पैसा वसूल स्किन, ठीक है? तो इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा करके किसी का एक विनिंग एनिमेशन सही है तो लूजिंग एनिमेशन सही है, किसी का अटैक एंड सुपर ज्यादा सही है, तो ये करके ना इस बार के जो 149 वाला जो यहाँ पर कैटेगरी है वहां पर थोड़ा सा मुझे डाउन जरूर लगा। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्किन बेकार है, स्किन बहुत ही ज्यादा ओपी है गाइस, मेरी मानो यहाँ पर बेस्ट स्किन है दो के पर, गेल के वन ऑफ द बेस्ट है एंड 2 का भी सबसे ज्यादा बेस्ट है अभी तक जितना सारा स्किन निकला हुआ है 2 के लिए। तो यहाँ पर इससे ज्यादा मर्चेंट गेल मुझे काफी सही लगा था, इससे यहाँ पर इसका जो फनी जो पार्ट है जो यहाँ पर स्क्विक को मारने का वो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा, ठीक है? बट यहाँ पर जो मजेदार वाला बात आता है भाई, अभी जो स्किन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पर 79 में एंड 49 में, तो भाई आप लोगों को वो देख के काफी मजा आने वाला है एंड वर्थ इट आप तब जरूर जरूर बोलोगे मेरे यहाँ पर, पूरा विश्वास जिसको बोलते हैं गाइस, विश्वास, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट 79 जेम्स में हम लोगों को मिल रहा है काउंट पेंगुला, यहाँ पर पूरा वैम्पायर आ चुका है दोस्तों ग्रेवियर्ड से उठ के, ठीक है, खून चूसने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसके जो अटैकिंग एनिमेशन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये एक्चुअली भाई वो सूटकेस के जगह भाई ये आ चुका है भाई, उसको भाई ग्रेवियर्ड के अंदर जिसको भाई घुसाते हैं वो वाला भाई केस आ गया एकदम से। और माँ कसम पता नहीं क्यों मेरे को सूटकेस से जो डिफॉल्ट एनिमेशन है उससे भाई ये जो केस है एक्चुअली बहुत ही
बड़ा दिख रहा है भाई। एनिमी के पिछोड़े जब लगेगा ना भाई, मेरे को पता नहीं है एक्चुअली रेंज बड़ा हो गया इसका, जो अटैकिंग जो एनिमेशन है ये सुटके से छोटा लग रहा था भाई आंखों में, पता नहीं ये इतना लंबा सा एकदम से केस फेंक के मार रहा है। सो एनीवेज यहाँ पर जो देखने में जो यहाँ पर जो स्किन की अगर बात करें तो स्किन ऊपर से देख के उतना भी डिफॉल्ट से ज़्यादा अलग नहीं लग रहा है, बट अटैक के जो एनिमेशन है वहाँ पर काम किया गया है तो ये काफ़ी सही स्किन है 79 में। बट 79 में और भी ज़्यादा ओपी ओपी स्किन है, ये तो सही है। जो लोग मिस्टर पी को लेके ही ज़्यादा खेलते हो, मिस्टर पी के स्किन लेना चाहते हो तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्किन है। बट इसके बाद अगर स्किन दिखाए तो वो है यहाँ पर गाइस जीनी के। यस भाई, जीनी का एक बहुत ही अजीब सा क्रीपी वर्सन स्वाम्प जीनी भाई। यहाँ पर जीनी स्वाम्प बन चुका है दोस्तों, इतना ज़्यादा क्रीपी भाई दिखने में, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं अकेला हो या फिर आप लोगों में भी कौन कौन सोच रहे हो, फील कर पा रहे हो, मेरे को पता नहीं। इसका जो थोपड़ा है गाइस, इसका मुंह देख के मेरे को इतना क्रीपी फीलिंग आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसका होंठ भाई, सब कुछ देखो, काम तो किया गया है, बेस्ट स्किन है, वन ऑफ द बेस्ट है 79 रुपीज़ में। आरसी क्या बोल रहा है, इतना क्रीपी हो गया गाइस यहाँ पर इसका मुँह देख के, मैं जेम्स को रुपीज़ बोल दिया, 79 जेम्स में एक्चुअली। सो इसका जो यहाँ पर एनिमेशन है सबसे ज़्यादा ओपी में से एक है, यहाँ पर जो विनिंग एनिमेशन, लूजिंग एनिमेशन, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से काम किया गया एंड 79 में वर्थ इट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिनके यहाँ पर भाई लेना चाहते हो तो ज़रूर लेना, और हालांकि पर्सनल ओपिनियन जो क्रीपी फीलिंग है वो तो यहाँ पर देना ही चाहते हैं सुपरसेल, इसलिए तो भाई हैलोवीन स्किन है, समझो मेरे भाई, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ओपी स्किन है, ठीक है, 79 जेम्स में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये केला कॉन्ग को देखो यार सार्च केला दोस्तों भाई, इतना अजीब सा फनी सा एक स्किन यहाँ पर, मैं यहाँ पर ऐसे स्किन भाई ज़्यादातर दिखते नहीं है गेम के अंदर, बट ये एक्चुअली केला लेके गाइस एनिमी को मारेगा 79 जेम्स में। हम लोग केला पा रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअली बहुत ही ओपी लगा मुझे स्वाम्प जीनी, और ये भाई सर्च का स्किन एक्चुअली सही है गेम के अंदर। हालांकि सर्च एकदम से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा है ऊपर से देखने में, बट हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि सर्च अभी सर्च नहीं है, सर्च अभी बंदर बन चुका है, पर मॉन्के बन चुका है सर्च, और ये पर केला की शक्ति से ये पर दुश्मन को पूरा भाई मार गिराएगा भाई। आप लोग समझो मेरे भाई, जब सुपर चार्ज होगा ना भाई, इतना मतलब एकदम लेवल 4 में जाके जब केला से मारोगे ना, अलग ही भाई मस्ती आएगा, सच बता रहा हूँ। और एक्चुअली सही है यहाँ पर गाइस स्वाम्प जीनी और ये सर्च मुझे काफ़ी सही लगा। सर्च उतना भी मतलब कलर फलर एकदम से चेंज होके सब कुछ सही है, लाल दिया हुआ है, थोड़े से अगर और ज़्यादा कलर होता तो और भी हमारे गेम के ऊपर से दिखता, ठीक है, वो लाल बंदर से अगर थोड़े से और भी कलर होता। एनीवेज गाइस, इसके पर जो एनिमेशन ये देखो भाई, पूरा का पूरा भाई वो उसको क्या बोलते हैं कॉन्ग बन चुका है, और एकदम से भाई छाती वाती फाड़ के एकदम से भवन डल्ला लेगा भाई, थड़ा भाई जोगिंदर। ओ भाई साहब केला की साइज तो देखो। तो ये पर नेक्स्ट है कैप्टन क्रो, जो क्रो लवर्स है इंक्लूडिंग मी भाई, मेरे पास हालांकि फिनिक्स क्रो है, और फिनिक्स क्रो भाई मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट स्किन इन द होल गेम, यू नो सभी को बताएगा इस पर फिनिक्स क्रो भाई बहुत ओपी सा स्किन है। और अगर बात करें ये स्किन की, अगर बात करें एक्चुअली सही है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई बेकार है, बट भाई बहुत ही सही है, बट दिखने में ना ऊपर से जब आप लोग रियल जब गेम खेलोगे तो प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा इसका जो ये पर पूरा कलरिंग है, जो अटैकिंग एनिमेशन में चेंज किया गया है, हालांकि चेंज है बट जो कलरिंग जो यहाँ पर कॉम्बो यहाँ पर चूज किया गया है तो उसके हिसाब से उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट इसका जो लूजिंग एंड विनिंग एनिमेशन है ये भाई वर्थ इट है, ठीक है, 79 जेम्स यहाँ पर ही भाई पूरा मात दे देता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पूरा लूजिंग एनिमेशन तो भाई काफी सही लगा मुझे। तो पर क्लो लवर्स के लिए, आई मीन क्लो नहीं, इसको क्रो बोलते हैं आरसी, एनीवेज क्रो लवर्स के लिए ये स्किन मुझे सही लगा, आप लोग ले सकते हो, यहाँ पर 79 है। और इसके बाद जो स्किन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो एक्चुअली इस अपडेट में सबसे ज्यादा वर्थ इट में से एक है भाई, अगर आप लोग सच में जितना जेम्स दे रहे हो उसके हिसाब से जैसे स्किन आपको मिल रहा है ना, ये स्किन एक्चुअली 49 जेम्स में आ रहा है, और उस हिसाब से मेरे भाई, मेरे हिसाब से एक्चुअली दी बेस्ट है, वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है। आप लोग देखो यहाँ पर पूरा घोस्ट क्विक, ठीक है, तो ये भाई क्यूट है या फिर डरावना है, ये भाई मैं तो पसल हो गया। सो ये एक्चुअली काफ़ी सही स्किन है, 49 जेम्स में इकलौता एक स्किन आ रहा है जो कि 49 जेम्स में है, और क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज ये पर जितने भी अपडेट्स में 49 जेम्स में जैसे स्किन निकलते हैं ना, तो वो
इतना ज़्यादा कस्टमाइज नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़े मोड़े चेंजेस होते हैं ज़रूर, बट 49 में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक्चुअली दिया गया है थोड़े मोड़े चेंजेस आप लोग एक बार खुद देख सकते हो। जैसे अटैकिंग एनिमेशन है, जो सुपर एनिमेशन है, तो ये काफ़ी सही है। और भाई लूजिंग एनिमेशन भाई भी वो भी कस्टमाइज है, ठीक है। तो एक बार न्यू लूजिंग एनिमेशन के साथ ये स्किन दिया गया है आप लोग एक बार देख सकते हो। ये गाइस जैसे कि डूब जाएगा, देखो पूरा डूब गया। तो ये सही है, आप लोग के पर खुद डिसाइड करना कि यहाँ पर कैसे आप लोगों को क्या लगा। वन ऑफ द बेस्ट है, बट बेस्ट नहीं है जरूर, यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब वैल्यू फॉर मनी स्किन ये जरूर मैं बोलूंगा इस बार अपडेट में। आप लोग अगर लेना ही चाहते हो कोई स्किन, तो कम प्राइस में ये स्किन काफ़ी सही हो सकता है। हालांकि ये बेस्ट नहीं है, बट जितना जेम्स आप लोग पे कर रहे हो उस हिसाब से ये जरूर ओपी है। तो कैसे थे पूरे जेम्स वाले स्किन पूरे लिस्ट, और भाई साहब कैसा आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे को जरूर बताना। आप लोगों का चॉइस, सभी का पर्सनल चॉइस होता है, देखने में फर्क होता है सभी को। और यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे ओपी स्किन है, जो 149 वाले हैं वो भी काफी सही है भाई, यहाँ पर भाई बुरे नहीं है। बट जो काम किया गया है, जो यहाँ पर दिखने में जो फील है, वो यहाँ पर थोड़े से ज्यादा, यहाँ पर मैं जरूर बोलूंगा 79 एंड 49 में दिया गया है अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें, ठीक है। बाकी बेस्ट हमेशा से भाई 149 ही निकल के आता है, कुछ ना कुछ मामलों में वो बेस्ट ही निकल क्या आता है, बिकॉज आप लोग भाई डबल से ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो। तो आई मीन जेम्स का प्राइस मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर ठीक है उस हिसाब से। बट हम लोग यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी के साथ ही साथ बेस्ट लुकिंग की बात करते हैं, जो कि ओवरऑल बैलेंस्ड पूरे स्किन हो, ठीक है। तो उस हिसाब से स्वम जिनी या फिर भाई ये घोस्ट क्वेक जो है भाई, ये तो काफी सही मुझे लगा। आप लोगों का विचार मैं जरूर जानना चाहूंगा, एंड लाइक भी कर देना, थोड़े से शेयर भी कर देना यार, थोड़े से सपोर्ट दिखाओ, तभी तो अच्छा लगता है। और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बहुत कुछ है, पर एक्चुअली बहुत कुछ होने वाला है, प्लानिंग भाई बहुत कुछ है, एंड यू नो आप लोगों का बस प्यार ही सपोर्ट ही चाहिए होता है, और क्या चाहिए। तो चलते मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।